जय हिंद दोस्तों, सीएसएफ एलडीसी 2029 जो 21 का पेपर हुआ है अपना सीएसएफ एलडीसी का, उसका इंग्लिश का मींस आज 29 मार्च वाला, तो इसका हम लोग आंसर की डिस्कस करेंगे इंग्लिश का, फिर डिस्कस करेंगे जीके का एंड देन मैथ्स का एंड देन रीजनिंग का, ठीक है। पहला पैसेज था, देखो पहला पैसेज तो इतना इजी था ना, नहीं भी पढ़ते ना पैसेज तो भी आंसर दे सकते थे, ये सब तो आपको पूरा अच्छा क्वेश्चन आपके पेनड्राइव से पढ़ाया हुआ आया है, ठीक है ना। इंग्लिश का जो क्वेश्चन है वो तो बहुत इजी है, मतलब मैराथन क्लास भी आप पूरा देख लिए होते तो बहुत सारा क्वेश्चन तो मैराथन क्लास से डायरेक्ट आ गया है, ठीक है ना। चलो 151 क्वेश्चन कहते हैं, तो कहता क्या है ये, द कल्चरल ट्रेडिशन ऑफ ईरान ग्रीस एंड रोम केम इन टू इंडिया। ये ट्रेडिशन जो है ना कनिष्क लेके आया था, ठीक है ना, कनिष्क होगा बी आंसर। 152 पे आओ, द सक्सेसर ऑफ नंदा, नंद के बाद कौन आए थे, तो नंद के बाद चंद्रगुप्त मौर्य आया था, तो मौर्य डायनेस्टी आया था, ठीक है, बी आएगा, सी आएगा, ठीक है। 153, गंधारा स्टाइल ऑफ आर्ट फ्लोरिसिंग ड्यूरिंग, भाई गंधारा आर्ट जो है ना ये ग्रीक वालों ने विकसित किया था, तो ग्रीक, ठीक है। 154 पे आओ, हु पेट्रोनाइज महायान बुद्धिज्म, जो कनिष्क था वो महायान बुद्धिज्म को मानता था, ये एकदम क्लियरली आपके उसमें दिया हुआ है पैसेज में। 155 पे देखो, वन हु प्रिटेंड टू बी वॉट ही इज नॉट, उसे हम कहते हैं हिपोक्रिट, झूठा व्यक्ति, ठीक है। क्लेप्टोमैनिक मींस होता है चोरी करने की जिसको आदत होती है, इगोसेंट्रिक पागल, फ्लैटलिस्ट, स्टंप इकट्ठा करने वाला। 156 पे आओ, सो फास्ट डैश ही रीच्ड इन टाइम, करवाया हुआ क्वेश्चन सिंपल पास्ट में है, भाई सिंपल पास्ट में तो सिंपल पास्ट वाला चाहिए पहली बात, और सो के साथ हमेशा दैट आता है, तो ये एक ही में है बी में। सो फास्ट द बॉय रैन दैट ही रीच्ड इन टाइम, ठीक है। चलिए 157 पे आइए, क्या कहता है, ही हैड कमिटेड अ मिस्टेक, पैसिव वॉइस, तो क्या आना चाहिए, अ मिस्टेक हैड बिन कमिटेड, है ना, तो ये वॉज तो ऐसे ही नहीं आएगा, ओनली हैड ऐसे ही नहीं आएगा, और ये तो हैज तो ये नहीं आएगा, सी आएगा, a mistake had been committed by him, है ना, had been में change हो जाता है passive voice में। 158 पे आओ, the story of old time gods or heroes is, जो old time के god और heroes की कहानी उसे हम legend कहते हैं, legend, actually मैं दूसरी बार ये video record कर रहा हूँ, पहली बार वाला video पता नहीं क्या हुआ, वो अचानक से बीच में उसमें voice में noise आ गया बहुत सारा और वो ठीक ही नहीं हुआ, तो double मेहनत करना पड़ रहा है। 159 पे आओ, खैर देखो पेनड्राइव से सारा क्वेश्चन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि क्वेश्चन भाई मैं एक बार कर लिया तो ये पढ़ाया हुआ क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है ना, यदि वो ये वीडियो करप्ट नहीं हुआ होता तो अभी तक आपको मिल गया होता आंसर की। खैर, वन हु बिलीव इन द पावर ऑफ फेट, फेट में बिलीव करने वाला फेटालिस्ट, तो फेटालिस्ट होगा। ऑप्टिमिस्ट, सकारात्मक सोचने वाला, पेसिमिस्ट, नकारात्मक वाला, पार्सिमोनियस, कंजूस, ठीक है। 160 पे आइए, वन हु लव्स वन सेल्फ, जो अपने आप को प्यार करता है, बताओ मैंने ये आपको पेनड्राइव में ये करवाया हुआ है वन वर्ड में, नार्सिकस की कहानी सुनाई थी कि नार्सिकस अपने आप को बहुत प्यार करता था, उसकी गर्लफ्रेंड एको थी, ठीक है ना, तो नार्सिस्ट हो जाएगा। 161 ब्लैक एंड ब्लू, कराया हुआ इडियम फ्रेज आया है, ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या होता है, मैंने आपको कहा था कि जब कोई हमें कोई बहुत ज्यादा चोट लग जाती है, कोई मारता है तो ब्लू पड़ जाता है, तो बहुत ज्यादा मारना, मर्सीलेसली, ए आएगा आंसर। 162 पे आओ, गो टू द डॉग, ये भी करवाया हुआ है, और मैंने कहा था जब कोई चीज खराब हो जाता है हम कुत्ते को देते हैं, टू बी रुइन, खराब हो जाना, ठीक है। 163 पे आइए, आफ्टर वर्ड रिसी एट ब्यूटिफुल एप्पल, भाई ये आफ्टर वर्ड रिसी के खाने के बाद, एट के लिए आया है, एडवर्ब, जब वर्ब के लिए आता है एडवर्ब। 164 पे देखो, द मेगा इज एन डेस ऑफिसर, तो लाइजन ऑफिसर, लियाजन है ना, तो एल आई ए से शुरू होता है लाइजन ऑफिसर, वो किसमें है, दो में है, ठीक है ना, लाइजन, आई भी आएगा तो बी सही है। 165, विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कंटेन एरर, बताओ ये मैराथन क्लास में भी लास्ट टाइम मैंने कहा था कि हैड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है ना, तो हैड वही आ गया, देखो तो रोहन हैड वर्ब, हैड और वर्ब थर्ड फॉर्म आ गया, लास्ट फ्राइडे टोल्ड मी, लास्ट फ्राइडे आई वुड हैव गिवन होना चाहिए था ना, तो और सेम यही क्वेश्चन करवाया था मैंने इसी तरह का, ठीक है ना, तो सी आंसर आएगा, वुड हैव, और क्यों इसमें क्या गलत होगा, विल की जगह आना चाहिए वुड हैव, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आइए, 166 क्वेश्चन है, हरीश वांट्स टू बाय डैश ए फ्रेंचाइज,
यदि कोई नाम दिया होता तो हम लिखते द फ्रेंचाइज, ए आएगा आंसर। 167 पे आओ, हिज मदर कुड नॉट डिसवेड हिम फ्रॉम गोइंग, मना नहीं कर सकी जाने से। डिसवेड फ्रॉम होता है, जो आपके पेनड्राइव में मैंने दिया हुआ है वर्ब के साथ एक फिक्स प्रीपोजिशन आता है, वहां से क्वेश्चन है, ठीक है, पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है। 168 पे आओ, व्हेन द मेंटल असाइलम, पागल घर जहां पे पागल रहते हैं, मेंटल असाइलम वॉज अंडर रिनोवेशन, वन ऑफ इट इनमेट, जेल में रहने वाले कैदियों को इनमेट्स कहते हैं, इनमेट्स एस्केप्ड, ठीक है, पढ़ाया हुआ है। 169 पे आओ, द नेशनल हॉकी टूर्नामेंट वॉज हेल्ड अंडर द डैश एजिस, यहां एजिस आना चाहिए, ठीक है ना, प्रीमोनिशन नहीं, प्रोमोलेशन नहीं, ट्रुएंसी नहीं, एजिस मतलब इनके सपोर्ट से हो रहा है, एजिस मतलब सपोर्ट में, सपोर्ट, ठीक है ना, एजिस आना चाहिए, एजिस मतलब होता है सपोर्ट, ठीक है। 170 पे आओ, अ प्लेस वेयर पिक्स आर केप्ट, एस्टाई में पिक को रखते हैं, है ना, मैंने जब ये करवाया था क्वेश्चन तो मैंने आपको ये कहा था कि भाई एक इग्लू होता है ना, और इग्लू में कौन रहता है और एस्टाई में कौन रहता है, ये मैंने उस टाइम बताया था आपको, ठीक है। 171, आई वुड नॉट डू दैट, भाई वुड नॉट आ गया, डू दैट इफ डैश यू, इफ आई वर यू, है ना, वर आएगा, भाई वॉज तो आता नहीं है और एम और वुड तो ऐसे भी नहीं आएगा, मैंने आपको सिखाया था कि हमेशा वर आता है इफ में, कंडीशनल सेंटेंस में। चलो 172 पे आओ, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, ये भी क्वेश्चन कराया हुआ मैंने आपको, ये मुझे याद है, मैंने यहां तक ये भी कहा था कि उसमें यहाँ की मैंने ये उसमें भी दिया था आपके टेस्ट सीरीज में कि सेक्शंस बने होते हैं इंसेक्ट्स का, तो इटाइमोलॉजी, इंटोमोलॉजी, ठीक है ना, और इटाइमोलॉजी उसके साथ ही बताया था मैंने उसी दिन कि इटाइमोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ ओरिजिन ऑफ वर्ड्स, कि जो शब्द है वो कहां से ओरिजिन हुए। 173, ग्रेन इज रिलेटेड टू ग्रेनरी इन सेम वे क्यूरियोस इज रिलेटेड टू, मुझे नहीं पता है कि क्यूरियोस क्या, यदि क्यूरिएटर होगा तो ये म्यूजियम होना चाहिए था, ठीक है, इस क्वेश्चन को आई डोंट नो क्यों क्या होगा, ये वर्ड मुझे नहीं पता। 174, टू फ्री ए पर्सन बाय अ वर्डिक्ट ऑफ नॉट गिल्टी, तो उसे हम कहते हैं इक्वीट कर देना, इक्वीटल देना, इक्वीटेड फ्रॉम, इक्वीट के साथ फ्रॉम लगता है। 175, एरर ढूंढना है, देखो रिवर वाटर पॉल्यूशन इज ऑफन इंडिकेट, रिवर पॉल्यूशन, रिवर वाटर का जो पॉल्यूशन है इंडिकेट किया जाता है, बाय दिख रहा है मुझे तो पता चल गया बाय से कि पैसिव वॉइस, तो इंडिकेटेड बाय, वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है ना पैसिव वॉइस में, हमेशा बी आएगा आंसर। चलिए अब ये वाला जो पैसेज है इसमें क्या है, वन हु नेम्ड आइलैंड ईस्टर आइलैंड, उसे डच ने दिया था, एक पूरा यहां देखो ये डच एक्सप्लोरर, ठीक है। वन हु जैकोब, कौन था, एक तो यूरोपियन के बारे में कहा है इसने, यहां पे देखो एक तो डच भी कहा है और यूरोपियन भी कहा है, ठीक है ना, तो यूरोपियन भी था और डच भी था, तो और एक्सप्लोर भी किया था इसने, अ यूरोपियन और अ एक्सप्लोरर दोनों था, भाई डच तो वैसे भी नीदरलैंड यूरोप में ही पड़ता है ना, तो बोथ ए एंड बी होना चाहिए, ठीक है। चलिए 178 पे आइए, व्हाट आर द स्टैचू मेड ऑफ, स्टैचू जो है वो बना हुआ था एस का, देखो ये रहा कंप्रेस्ड वोल्केनिक एस कॉल्ड टफ, तो टफ आ जाएगा आंसर, ठीक है। 179 पे आओ, why the quarry, quarry मतलब जहां पे खदान को कहते हैं quarry हिंदी में, where the compressed volcanic ash was found abandoned, वो क्यों abandoned था, क्यों खाली कर दिया था, उसका कारण नहीं पता, mysterious है वो कारण, तो A लगेगा, ठीक है। चलिए 180 पे आओ, PQRS जो है ना ये दोनों थोड़ा सा दिमाग लगाते तो आराम से हो जाता PQRS, ठीक है ना। देखो punishing the corrupt is a difficult task, अब या तो Q आएगा इसके बाद या R आएगा, तो क्यों देख लेते पहले, दोज कॉन्वर्सेशन मस्ट बी रिस्पेक्टेड, अब ये कौन से कॉन्वर्सेशन की बात कर रहा है हमें नहीं पता ना, तो क्यों कहां से आ जाएगा। आर देखो क्या है, द लॉ इज नॉट इफेक्टिव इन डीलिंग विद इट, किसके डिफिकल्ट टास्क है ना पनिशिंग, तो लॉ जो है इफेक्टिव नहीं हो रहा है, द लॉ इज नॉट इफेक्टिव, तो आर करेक्ट है। अब आर दोनों में से कौन सा आ जाएगा, पी आएगा या अपना एस आएगा, ए वाला भरोगे या सी वाला भरोगे, इसमें अब है, ठीक है। तो अब P और S दोनों को चेक करो, देखो पहले तो R फिक्स हो गया ना कि अब पनिशिंग द करप्ट इज अ डिफिकल्ट टास्क, द लॉ इज नॉट इफेक्टिव इन डीलिंग विद इट, अब S आना चाहिए क्या, सो सम कॉन्वर्सेशन विल हैव टू बी बिल्ट अप, कौन सा कॉन्वर्सेशन रिलेटेड नहीं है, P देखो इट इज डिफिकल्ट टू प्रूव द चार्ज, भाई पनिशमेंट से चार्ज रिलेटेड है तो P आना चाहिए, ठीक है। 181 पे आओ, क्या कहता है, इट इज आवर पॉलिसी दैट रीजनल लैंग्वेजेज शुड प्रॉस्पर, कि हमारा ऐसा पॉलिसी होना चाहिए कि रीजनल लैंग्वेज फले फूले, ठीक है ना, तो अब एस आएगा या आर आएगा, देखो
तो आर में क्या है, सच एन अरेंजमेंट, कौन सा अरेंजमेंट भाई, तो आर, इसमें कहीं अरेंजमेंट की बात कर रहा है ये पहले वाले सेंटेंस में, नहीं, तो आर वाला दोनों गया। अब एस के बाद पी आएगा क्या, ठीक है, रेदर दे शुड मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, क्या रीजनल लैंग्वेज है ना, तो रेदर से पहले कोई नेगेटिव एक सेंटेंस आना चाहिए, तो इसलिए पी नहीं आएगा, सी आएगा, एस क्यू पी आर। देखो द रीजनल लैंग्वेज शुड बी रीजनल, शुड बी द ऑफिशियल लैंग्वेज शुड बी रीजनल लैंग्वेज, दे शुड नेवर बी रिप्लेस बाय सम अदर लैंग्वेज, इसको रिप्लेस नहीं करना चाहिए, रेदर रेदर दे शुड बी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, ये मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होना चाहिए, इसलिए क्यू के बाद ही पी आएगा, ठीक है। चलिए 192 पे आओ, वाई वॉज ही रिफ्यूज्ड एडमिटेंस, ये क्वेश्चन करवाया हुआ आया है, ठीक है ना, ये ऑलरेडी पैसिव वॉइस से एक्टिव में चेंज करना है, तो वाई आएगा, और प्रेजेंट सिंपल पास्ट का है, तो सिंपल पास्ट में डिड आना चाहिए, एक ही में है, देखो बी में, इतना भी पता होता तो आप ये क्वेश्चन आराम से हो जाता, ठीक है। 183 देखो, ग्रैंडफादर वाज डिगिंग द फ्लावर बेड, द फ्लावर बेड्स वर 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 बीइंग डग, आएगा ना भाई, जब सिंपल जब कॉन्टिन्यूस होता है तो उसमें बीइंग लगाते हैं, तो आएगा बीइंग डग बाय ग्रैंडफादर। 184 पे आओ, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड शॉफर, एस एच ए होता है और क्लॉसस में डबल एस होता है, इसलिए गलत है ये, हैकनीड आइड होता है यहाँ ई वाई ई डी, तो इसलिए गलत है, गॉर्जियस ठीक है, इसे जॉर्जियस बोलते हैं हम लोग, लेकिन ये एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन गॉर्जियस होता है, ये करेक्ट है। फिर कहता है करेक्टली स्पेल्ड वर्ड खोजो, अनसरमाउंटेबल, एस यू आर सरमाउंटेबल होना चाहिए ना, एक्स चेकर ठीक है, एक्स और चेकर की स्पेलिंग सी एच ई क्यू यू ई चेक और ई आर, एक्स चेकर ठीक है, रिपरकशन में डबल एस आएगा, डिलैपिडेटेड में सिंगल एल आएगा, इसलिए गलत है। 186 पे आओ, He said, I am buying a pen. He said that he was buying a new pen. तो वो देखो इसमें है. He said that he was buying a new pen. 187 पे आओ. Mohan says that the teacher is not at home. तो क्या होगा? Mohan said. Said वाला तो सारा ही काट दो पहले तो. Says. Teacher. The teacher. अच्छा. जब present tense में होता है तो tense change नहीं करते तो was नहीं आएगा. इसलिए C ठीक है. Present tense में स्पीच का हम टेंस चेंज नहीं करते, इसलिए टीचर इज नॉट एट होम ही ठीक है। 188 पे आओ, क्या लिखा है, ओल्ड हैबिट डाई हार्ड, ओल्ड हैबिट जल्दी नहीं मरते, तो ये सही है, डाई हार्ड ही होता है ना, किसी ने हार्डली लगा दिया हो गलती से कि डाई हार्डली मुश्किल से, तो गलत है, नो इंप्रूवमेंट आएगा। 189 पे आओ, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट अमंग द फॉलोइंग, इनकरेक्ट कौन सा है, द पेशेंट डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव, मैंने आपको बताया था ना कि बिफोर आता है तो पहले प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट होना चाहिए और आफ्टर में बाद में, तो यही वाला दिख रहा है मुझे कि हैड हैड नहीं है इसमें, द पेशेंट हैड डाइड होना चाहिए था, तो ए करेक्ट है ठीक है, बाकी सब ठीक है ठीक है। 190 पे द टीचर सेड, तो द टीचर सेड आएगा, दैट दिल्ली बिकेम एन यूनियन टेरिटरी, तो भाई ये हिस्टोरिकल फैक्ट है, इसका टेंस चेंज नहीं होता, डी आएगा ठीक है, जैसे का तैसा आ जाएगा। नेक्स्ट आइए 191 में, हमें ये ना पी क्यू आर एस है ठीक है, इसको करना है, देखो ये पी क्यू आर एस भी बहुत ईजी, क्या है, रेखा एंड सीमा, रेखा एंड सीमा, इसके बाद क्या आना चाहिए, इफ दे स्टडीड हार्ड, तो इफ भाई इसके पीछे कुछ आना चाहिए ना कि वाई ये कंडीशन क्यों आया, कुड पास दियर एग्जाम, वो पास करते कर सकते थे इजिली, तो इसका मतलब हमें ये समझ में आ रहा है कि क्यों आना चाहिए, तो क्यों में से कौन सा, कुड पास दियर एग्जाम इजिली इफ दे स्टडी हार्ड, यदि उन्होंने ढंग से पढ़ा होता तो ए, ये तो बहुत ईजी था। 192 पे, इस तरह के पीक्यूआरएस मैंने आपको बहुत करवाया हुआ है टेस्ट में भी पेनड्राइव में भी, चूज द रॉन्गली स्पेल्ट वर्ड, जो रॉन्ग है गलत है, रिलीव, देखो हमेशा ई के आगे आई आता है, एक रिलीव ही ऐसा है जहां पे आई पहले आ जाता है, तो रिलीव सही है, प्रोटीन भी सही है ई के साथ आई, डेसिट डेसिट भी सही है, ये जो फ्राइट है ना ये गलत है, फ्राइट मालवाहक को कहते हैं, जो देखा होगा आपने जो अपने पोस्ट एयरपोर्ट ड्यूटी में आप होंगे, तो जो फ्लाइट जो सामान इधर उधर ले जाते हैं उसे फ्राइट कहते हैं, एफ आर ई आई जी एच टी होता है, तो डी गलत स्पेल्ड है, रॉन्गली स्पेल्ड है। 193 पे आओ, चूज द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, देखो अपॉर्चुनिटी भी ठीक है, जेनरोसिटी भी ठीक है, पॉसिबिलिटी भी ठीक है, ये सब सही है, आंसर आएगा गलत वाला चुनना था, रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है ना, एस आई होना चाहिए था ना, एस आई बी आई एल आई टी वाई, तो ए होगा इसका आंसर ठीक है ना। चलिए 194 पे आओ, लाइफ इज कंपेयर्ड ए बैटल, हम लाइफ को कंपेयर कर सकते हैं, कंपेयर टू अ बैटल, विद अ बैटल नहीं, विद तो इंसानों के साथ भी आता है ना, टू अ बैटल है ना। 195
Ram said, I am happy today. Ram said that he was happy that day. Ram said he was happy that day. So Ram said that he was happy that day. Yehi theek hai. Yehi correct hai. 196 pe ho. She said they must carry on their work. To kya hoga? She said that they or must ka na had hota hai past. Ye maine modal mein karwaya hua hai aapko. To had to wala answer jo hai na correct hona chahiye mere according. Might wala isliye correct nahi hoga kyunki might may ka hota hai aur must aap aise chhod nahi sakte ho, change to karoge tense. To had to. Must ka jo past hota hai na wo had to. Karaya hua question hai. Chaliye 197 pe hai. ये कहता है अपोजिट मीनिंग ढूंढना, ठीक है. वैग्रेंट, वैग्रेंट का मतलब होता है जिसका कोई पता नहीं हो, वो इधर उधर डोलता रहता है, कोई घर नहीं हो, ठिकाना नहीं हो, ठीक है ना. तो वेंगा बॉय भी कहते हैं उसको. तो ये दोनों सेम है. वाइस ट्रैम्प नहीं होगा, जेंटलमैन, जिसका अपना घर हो, जो प्रॉपर हो, जेंटलमैन, प्रॉपर इंसान. 198 फिल इन द ब्लैंक्स है. राम वॉज ए आई, एन आई होना चाहिए था ये, तो इन्होंने गलती किया हुआ, देखो एन आई होना चाहिए, ठीक है ना. ये इन्होंने क्वेश्चन गलत किया. खैर, राम वॉज एन आई टू अ बिग थ्रोन, ठीक है ना. राम इज एन आई, आई एन आई होना चाहिए, ठीक है. टू टू अ बिग फॉर्च्यून, ठीक है ना, एक बड़े फॉर्च्यून मतलब कुछ ज्यादा पैसे वाला. 199 आई एम टायर्ड, आई एम टायर्ड कहता ना, आई एम टायर्ड ऑफ, तो इसके साथ तो एकदम क्लियर है ऑफ, आई एम टायर्ड ऑफ वर्क. 200 पे ऑफ. राम पार्टेड डैस हिज फ्रेंड, देखो सेपरेटेड के साथ फ्रॉम नहीं लगता है, ठीक है ना, लेकिन पार्टेड आ गया, राम पार्टेड, तो फ्रॉम लगा दो, दूसरा कोई करेक्ट बैठ नहीं रहा है, तो राम पार्टेड फ्रॉम हिज फ्रेंड्स, ठीक है. तो ये मैंने आपको जो है पूरा इंग्लिश का आंसर की करवा दिया है, ठीक है. 2001 का जो हमारा, सॉरी 2021 का जो हमारा CSF, CISF, LDCE का एग्जाम हुआ. कोई भी स्टूडेंट जो हमारे, देखो अब यदि आप हमारा पेन ड्राइव और जो टेस्ट करवाते हैं हम लोग इंस्टीट्यूट के द्वारा, पेन ड्राइव जो दिया गया और टेस्ट, वो यदि आप ढंग से कर लो तो 100% आप इंग्लिश में 40 से अबव नंबर लेके आओगे. 98-95% क्वेश्चन पेन ड्राइव से डायरेक्ट आएगा, ठीक है ना. तो इस तरह से पेन ड्राइव से जुड़ने के लिए और अपने एग्जाम को एक अच्छा रूप देने के लिए कि भाई पढ़ो तो आपका सिलेक्शन हो जाए, यानी कि वेस्ट चला जाए टाइम, और 100% सियोरिटी हो आपके पास कि हमें, मैं पास हूंगा, क्वालिफाई तो करूंगा करूंगा, फेल तो नहीं हूंगा, ठीक है. तो आज ही पेन ड्राइव ऑर्डर करो और 2022 वाला जो एग्जाम आ रहा है, बस बहुत कुछ दिनों में, मान लो कि ये जून या जुलाई में हो जाएगा, तो उसके लिए तैयारी अभी से शुरू कर दो. पेन ड्राइव कोर्स ऑर्डर करो, मंगवाओ और अपने आराम से अपने फोन में लगा के देखो. लैपटॉप की भी जरूरत नहीं है, इंटरनेट की जरूरत नहीं है, पूरा पेन ड्राइव ढंग से देख लो, टेस्ट कर लो सारा, ठीक है. उसमें 50 मॉक टेस्ट है और प्रीवियस 2008 से लेके 2000 ये हो गया आपका 21 का पेपर, सारा पेपर आपको उसमें मिल जाएगा विद डिस्कशन. इतना कर लोगे ना तो आप आराम से 170-175 पे पहुंच जाओगे, पहली बात. दूसरी बात कि जब भी आपको, देखो पेन ड्राइव जब आप लोग हमारे ग्रुप में ऐड हो जाओगे पेन ड्राइव वाले, और उसमें आप जो है ना, जो भी करंट अफेयर होगा, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, डाउट क्वेश्चंस होंगे, वो आपको उसमें मिलता रहेगा. तो इतना बेनिफिशियल है, 100% ये 4200 रुपए का ये पेन ड्राइव है, और ये 100% आपको ना रिजल्ट देगा. जितना आपने आज तक प्रिपरेशन में लगाया होगा ना, ये उन सब पे भारी बैठेगा. तो आज ही पेन ड्राइव ऑर्डर करो 9205330671, ये इंस्टीट्यूट का नंबर है. तो इस नंबर पे कॉल करके रोशन सर से डिटेल ले लो, कैसे पे करोगे, फोन पे गूगल पे कर सकते हो इसी नंबर पे, 4200. पे करने के बाद उसका स्क्रीनशॉट, अपना नाम, कंप्लीट एड्रेस, पिन कोड, और जिस फोन में चलाओगे उसका ओटीजी टाइप, इतना लिख के ना इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर दो सारा डिटेल. इसी नंबर पे फोन पे गूगल पे कर दो. आप फी 4200 रुपए, 3 से 5 दिन में आपका पेन ड्राइव आपको डिलीवर हो जाएगा और आपकी तैयारी जो है प्रॉपर वे में शुरू हो जाएगी, ठीक है. और कोई डाउट हो तो इसी नंबर पे कॉल कर लो. आप हमारे सेंटर पे भी आके ले सकते हैं, जो जीबीएस कैंप है महिपालपुर में, सीएसएफ का जीबीएस कैंप महिपालपुर, वहां पे आके इंस्टीट्यूट पे ले सकते हो हमारा पेन ड्राइव. और डिलीवरी सेंटर है जीबीएस कैंप में, तो फिर भी कॉल करके आना, क्योंकि 3 दिन यहाँ पे पेन ड्राइव का डिस्ट्रीब्यूशन होता है. लेकिन जो हमारा डिलीवरी सेंटर है आपका मेजेंटा लाइन में,
कालिंदी कुंज मेट्रो स्टेशन, कालिंदी कुंज मेट्रो स्टेशन न्यू दिल्ली, यहाँ पे हमारा डिलीवरी सेंटर है, यहाँ पे 24 मतलब सुबह में 8 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक कभी भी आके आप ले सकते हो पेनड्राइव, ठीक है ना, यदि आपको हाथ वाथ लेना है। और यदि पोस्ट बाय स्पीड पोस्ट मंगवाना है तो इसी नंबर पे फोन पे गूगल पे कर दो, डिटेल्स भेज दो सारा जो मैंने कहा है, और आपका जो है पेनड्राइव 3 से 5 दिन में आप तक पहुंच जाएगा। और यदि आप बहुत ज्यादा बॉर्डर एरिया में होंगे उधर राजस्थान का या उधर कुपवाड़ा साइड में, तो 7 से 8 दिन लग जाता है, अदरवाइज 3 से 5 दिन में पहुंच जाएगा, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट डिस्कशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।